नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर अब फिक्स कर रहे टारगेट, ऑडिटर पे हो गए सेट, नहीं बच पा रहे आयकर अधिकारी, 7 से 8 लाख तक पहुँचा पे अस्पतालों का पैकेज। देश में 24 घंटे में कोरोना के 382,315 नए मामले आए सामने, 3,780 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। पूर्णबंदी से रुकेगा कोरोना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी सलाह, कहा हालात खराब फिर भी सरकार है बेखबर। महाराष्ट्र में वैक्सीन की मारामारी, जनता से खिलवाड़ कर रहे केंद्र व राज्य सरकार, सभी जिलों में खत्म हो चुकी वैक्सीन। परमवीर सिंह की याचिका निरर्थक है, उच्च न्यायालय में राज्य सरकार का तर्क, अदालत तत्काल सुनवाई करने से कर रही इनकार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आईपीएल हुआ सस्पेंड, कई खिलाड़ी हुए कोरोना से संक्रमित, बीसीसीआई ने दी जानकारी। शहर में घटने लगे अब कोरोना मरीज, लॉकडाउन का दिखने लगा असर, 7,349 एक दिन में हुए स्वस्थ। अवैध शराब धंधों पर कार्रवाई कर पुलिस ने 40 के खिलाफ मामला किया दर्ज, लाखों की शराब नष्ट, चारों तरफ से घेराबंदी कर टोली में छापेमारी। एंटीलिया विस्फोटक में भी परमवीर सिंह की भूमिका संदिग्ध, अनिल देशमुख ने किया दावा। मेडिकल में हड़ताल करने पहुंचे 350 इंटर्न डॉक्टर, मांगे पूरी होने तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे इंटर्न डॉक्टर। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।